Good morning, students. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Harvard Vidyapeeth, Chapra. Dear students, today we will learn the chapter triangle for class 9. And in this class, we will learn some theorems related to triangle inequality property. The first theorem is the sum of two sides of a triangle is greater than the third side. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीसी। यहाँ ट्रायंगल एबीसी को लिया गया है और गिवन को नोट करेंगे कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। देन टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूफ करना है कि सम ऑफ टू साइड्स यानी कि एबी प्लस एसी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उसी तरह से एबी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एसी एंड बीसी प्लस एसी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एबी। इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल एबीसी में जो साइड बीए है इसको हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे डी तक, सच दैट एसी जो होगा वो एडी के बराबर होगा और एडी को ज्वाइन सीडी को ज्वाइन करेंगे। देन प्रूफ में इन ट्रायंगल एसीडी में चलेंगे तो एसीडी में एसी जो है वो एडी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। देयरफॉर एंगल एसीडी इज इक्वल टू एंगल एडीसी होगा अपोजिट angles opposite to the equal side से। Then ACD की जगह पर हम लोग अगर BCD को लेते हैं तो angle BCD is greater than angle ADC हो जाएगा। BCD is greater than angle ACD होगा since ACD जो है वो छोटा है BCD से। तो इस तरह से angle BCD is greater than angle ADC हुआ और angle BDC is greater than angle BDC हो जाएगा। BCD is greater than BDC हो जाएगा। BCD जो हो गया वो greater than BDC हुआ। हम लोग ADC की जगह पर BDC को लिख सकते हैं। इस तरह से BDC के सामने BDC के सामने side DD, DD is greater than BC हुआ। हम लोग BD को लिख सकते हैं AB plus AD, AB plus AD is greater than BC और AB plus AC, AD की जगह पर AC को लिखा गया है क्योंकि AB और AC equal है। तो इस तरह से AB plus AC is greater than BC। Similarly हम लोग प्रूफ कर सकते हैं AB plus BC is greater than AC and BC plus AC is greater than AB। तो इस तरह से यह थ्योरम हम लोग प्रूफ किए जो कि था कि sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। Next theorem है the difference of any two sides of a triangle is always less than the third side। यहाँ भी हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि टू साइड्स का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से लेस होगा, छोटा होगा। तो यहाँ गिवन में एबीसी इज अ ट्रायंगल हो गया। देन टू प्रूव दैट हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पर एसी माइनस एबी, मान लिया कि एसी बड़ा है एबीसी तो एसी माइनस एबी इज लेस देन बीसी। उसी तरह से बीसी माइनस एसी इज लेस देन एबी एंड बीसी माइनस एबी इज लेस देन एसी को प्रूफ करना है। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सपोज किया गया कि AC जो है वो AB से बड़ा है तो AC जो है अगर AB से बड़ा मान लिया गया है तो AD कट करेंगे। हम लोग AD को कट करेंगे AB के बराबर और B से D को ज्वाइन कर देंगे। AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AB को कट किया गया और ज्वाइन किया गया BD को। इन ट्रायंगल ABD में चलते हैं तो क्योंकि AB बराबर AD हो रहा है बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। नाउ CD साइड है वो ट्रायंगल BCD में प्रोड्यूस किया गया है A पर। CD इज प्रोड्यूस टू A इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में। देयरफॉर एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 से बड़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल में वो ईच ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल से ऑलवेज ग्रेटर होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको इक्वेशन 2 सपोज किया गया। सिमिलरली ट्रायंगल ABD में हम लोग AD को प्रोड्यूस करेंगे C तक तो एंगल 3 जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल 1 होगा, इसको इक्वेशन 3 सपोज किया जाएगा। और एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2, 1 के जगह हम लोग 2 को लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लोग ऊपर में दिखा चुके हैं। इस तरह से इक्वेशन 2 और 4 को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, therefore angle 3 is greater than angle 4 होगा। और 3 के सामने angle 3 के सामने जो side है वो BC है तो BC is greater than 4 के सामने CD, BC is
greater than CD, जिसको हम लिख सकते हैं CD is less than BC. अब CD की जगह हम लिख सकते हैं AC minus AD. AC minus AD is less than BC. और AC minus AB. AD की जगह हम AB को लिखेंगे, क्योंकि AD और AB बराबर है. इस तरह से AC minus AB is less than BC हुआ. Similarly हम प्रूफ कर सकते हैं कि BC minus AC is less than AB and BC minus AB is less than AC. तो इस तरह से आज हम लोगों ने टू थ्योरम्स को लर्न किया, जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था. फर्स्ट जो था वो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड सेकंड जो था वो जो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. तो आई होप आप इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और एंजॉय करेंगे. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.